जितने भी शरणार्थी आए हैं सीएए में एप्लीकेशन करे, किसी पर कोई केस नहीं होने वाला है, कोई मुकदमा नहीं होने वाला है। ये मोदी सरकार का कानून है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। और ममता दीदी, आपको जितना विरोध करना हो करो, हम जितने भी हिंदू बौद्ध सिख शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देंगे, ये हमारा वादा है। भाइयों और बहनों, ये पार्टियों का हमारे साथ, देश के साथ, देश के गरीबों के साथ, देश की जनता के साथ कोई सरोकार नहीं। और मैं आज बंगाल में चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार आया हूं, मैं बंगाल की जनता को हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। हमने एक कानून पारित किया है सीएए का, ममता दीदी बंगाल के लोगों को गुमराह कर रही है। ये कह रही है कि आपने एप्लीकेशन किया तो आपका नागरिकता चला जाएगा। अरे नागरिकता है ही नहीं ममता दीदी, आपको क्या मालूम है? मैं आज आपको कहने आया हूं, डरे बगैर जितने भी शरणार्थी आए हैं सीएए में एप्लीकेशन करे, किसी पर कोई केस नहीं होने वाला है, कोई मुकदमा नहीं होने वाला है। ये मोदी सरकार का कानून है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। और ममता दीदी, आपको जितना विरोध करना हो करो, हम जितने भी हिंदू बौद्ध सिख शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देंगे, ये हमारा वादा है। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, जो बंगाल से हिंदू सिख बौद्ध शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता मिलती है, आपको क्या तकलीफ हो रही? एक और घुसपैठियों को लाल जाजम बिठाकर स्वागत करती हो, रोहिंग्या का स्वागत करती हो, और दूसरी ओर जो हिंदू बौद्ध सिख शरणार्थी आए हैं उनको गुमराह कर रही हो। दीदी, आपकी दाल नहीं गलने वाली है। मोदी जी ने रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं, बंगाल के सारे शरणार्थी भय मुक्त होकर अप्लाई करें, आपका इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा है, आपका अधिकार इतना ही। सभी लोगों ने अप्लाई करना चाहिए।